समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बुधवार को काली शेरवानी पहनकर विधानसभा पहुंचे। उनके साथ कई विधायक भी इसी पोशाक में नजर आए, जिसके बाद चर्चा इस बात पर शुरू हो गई है कि क्या इस पोशाक से 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी मुस्लिम मतदाताओं को कोई संदेश देने की कोशिश कर रही है। वैसे अगर आमतौर की बात करें तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अक्सर सफेद कुर्ते, पैजामे और काली जैकेट पहने दिखते हैं। उनके सिर पर समाजवादी पार्टी की लाल टोपी भी होती है, लेकिन आज विधानसभा में अलग नजारा देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार आज यानी बुधवार को राज्य विधानसभा में 2023-24 के लिए अपना बजट पेश कर रही है। इस दौरान अखिलेश यादव काली शेरवानी पहनकर विधानसभा पहुंचे। बता दें कि सपा के कद्दावर नेता आजम खान भी कई बार इस तरह की काली शेरवानी पहने नजर आते रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि योगी सरकार की कार्रवाई के खिलाफ आजम खान के समर्थन में अखिलेश यादव ने कदम उठाया है। अभी देखने वाला होगा इस तरह के प्रयास समाजवादी पार्टी को कितना फायदा पहुंचा पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।